नारायणपुर वन विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात बरखूपारा स्थित एक फर्नीचर दुकान में अवैध रूप से सागौन चुरान का बड़ा जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है। वन परीक्षित नारायणपुर में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में बीती रात वन परिक्षेत्र और उड़नदस्ता दल की संयुक्त टीम ने फर्नीचर दुकान में जांच किया, जहां सागौन लकड़ी का जखीरा मिला। लकड़ी वैध होने का दस्तावेज फर्नीचर संचालक के पास नहीं पाया गया, जिसके बाद सागौन की लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। मामले की जानकारी डीएफओ ने इस प्रकार से दी है। हमें कुछ विश्वसनीय सूत्रों द्वारा खबर मिली थी कि जिंदर फर्नीचर मार्ट में अवैध रूप से सागौन लकड़ी रखा गया है, और जिसके संबंध में जब एसडीओ साहब द्वारा जांच किया गया या पता किया गया तो पता चला कि उनके पास लकड़ी के वो के संबंध में कोई वैध दस्तावेज वो दिखा नहीं पाए। इसके द्वारा फिर हमारे द्वारा कल शाम की इस घटना उपरांत सतत निगरानी रखते हुए रात भर उस पहरेदारी की गई, एवं सुबह फिर सर्च वारंट के उपरांत वहाँ सर्च किया गया तो लगभग अभी 380 नग लकड़ी प्राप्त हो चुके हैं, जिसका अनुमानित 10 से 11 घन मीटर होना चाहिए। और अभी तक जो कागज़ उनके पास, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा खरीदा गया है, बट अभी तक कोई कागज़ वो दिखा नहीं पाए हैं। तो इस उपरोक्त कार्डों से हमने अभी सारा माल सीज कर लिया है। देखिए, नारायणपुर हमारा एक वन संसाधनों से भरपूर जिला है, और यहाँ पर सागौन की भी अच्छे क्वालिटी की प्रजाति पाई जाती है, जिसकी वजह से अवैध व्यापार का यहाँ पे कई मेरे ट्रांस यहाँ पे उपस्थिति उपरांत कई शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें हमारे द्वारा जैसे ही सूचना प्राप्त होती है अपना दल बल के साथ कार्रवाई किया जा रहा है। यह चौथी पांचवी कार्रवाई है, और कई छोटे स्तर पर हुई है, आज थोड़े ज़्यादा स्तर पर की जा रही है। लगभग 7 से 8 लाख तो होनी चाहिए। अभी एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं हुआ है, फाइनल गणना होने के उपरांत ही बता सकूंगा, लेकिन नलिया सात के से आठ इतने करीब हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। बाकी अभी तक एग्जैक्ट उसमें से कितना अवैध है वैध है ये बताना संभव नहीं है। उनके द्वारा कागज़ होने की जानकारी दी जा रही है, बट अभी तक दिखा नहीं पाए हैं। तो एग्जैक्ट जो फिगर है कि उसमें से कितना अवैध है, वो उनके द्वारा जानकारी प्रदान किए जाने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। रही बात वन विभाग हमले की, वर्तमान में सभी लोग भीड़ के कार्रवाई कर रहे हैं। कल 10-20 लोग की टीम वन विभाग की लगी हुई थी, तो ठीक है, पहले का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वर्तमान में